the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for ₹3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. And with this information, we have to find the cost of each bat and each ball. करना क्या है, देखिए आपको ये जो word problem है इसकी मदद से आपको pair of linear equation पहले बनाना है और फिर उसको solve करना using substitution method. तो बात किसकी किसकी हो रही है, bat और ball की. आपको find out क्या करना है, हर एक bat का कितना cost है और हर एक ball का कितना cost है. तो उसको assume कर लेते हैं सबसे पहले. See, let the cost of each bat be rupees X and the cost of each ball be rupees Y. ये हमने assume कर लिया. अब condition क्या क्या given है वो देख लेते हैं. सबसे पहले condition में उसने 7 bats और 6 balls खरीदे और जिसके लिए pay कितना करना पड़ा, ₹3,800. तो कंडीशन क्या है लिख लेते हैं, she bought 7 bats and 6 balls for ₹3,800. तो ये इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, देखिए 7 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच बैट व्हिच इज ₹x 7x प्लस 6 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच बॉल्स व्हिच इज रुपीस y इज इक्वल टू जो टोटल सम उसने पे किया है व्हिच इज 3800. ये आपका इक्वेशन 1 आ गया. सिमिलरली एक कंडीशन और आपको गिवन है, शी आल्सो बॉट 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर व्हिच शी हैज टू पे ₹1750. तो कंडीशन लिख लेते हैं, शी आल्सो बॉट 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स for ₹1750. ये equation में कैसे transform होगा, 3 times of cost of each bat which is rupees x plus 5 times of cost of each ball which is rupees 5 and जो total उसने pay किया है 1750 उसके equal. ये आपका equation 2 आ गया. solve कैसे करना दोनों equation को, using substitution method. तो एक काम करते हैं, यही second equation में मैं y को in terms of x लिख लेता हूँ, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपके पास 5y is equal to 1750 minus 3x which will give us y as 1750 minus 3x over 5. ये आपको y की value मिल गई in terms of x. अब हम इसको कहां substitute करेंगे, in equation 1. So substituting y in equation 1 will get, मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए substitute y equal to 1750 minus 3x over 5 into equation 1. We get 7 times of x is what, sorry x to x hai, plus 6y. y ke place pe ab hum put karenge 1750 minus 3x over 5 is equal to 3800. Bas ab aap isko solve karenge to aapko x mil jayega aur jab aapko x pata chal gaya to yahan put karke y pata kar sakte hain. Aap chahe to further khud se solve kar sakte hain video pause karke or else I am solving it. To ye ho jayega 7x प्लस 6 इनटू 1750 होता है 10500 माइनस 63 इज 18x अपॉन 5 इज इक्वल टू 3800. मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूं, ठीक है. अब मैं 5 का अगर एलसीएम लूं या पूरे इक्वेशन को आप चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 5 विल गेट ये 35x हो जाएगा आपके पास 7 इनटू 5 प्लस ये तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10500 माइनस 18x इज इक्वल टू 3800 इनटू 5 विल गिव यू 19000. ठीक, तो अब आप देखिए 35 माइनस 18x आपको मिलेगा 17x और जब आप 10500 को आरएचएस पे जाएंगे तो वो सबट्रैक्ट होगा. 19000 माइनस 10500 विल गिव यू 8500. ठीक है, क्या किया मैं आपको दोबारा बता देता हूं. 35x माइनस 18x से मिला आपको 17x और 10500 को हमने आरएचएस में लेके सबट्रैक्ट किया 19000 से तो आपको मिला 8500. तो इससे फाइनली x मिलेगा आपको 8500 ओवर 17 व्हिच गिव्स अस x एज
500, 17 5 से 85 होता है आपको मालूम है, तो x पता चल गया आपको 500, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज रुपीज 500. अब यहीं पे आप x की वैल्यू पुट करके y पता कर सकते, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x, कितना आपके पास 500 होल अपॉन 5, तो y आपको पता चल जाएगा 1750 माइनस 53 से 15, तो ये 1500 हो गया अपॉन 5. एक काम करता हूँ, ऊपर सॉल्व कर देता हूँ इसके आगे में, तो y पता चल जाएगा आपको 1750 माइनस 1500 इज 250 ओवर 5, और अब आपका काम आसान हो गया, 250 अपॉन 5 आपको मालूम है 50. तो फाइनली कॉस्ट ऑफ ईच बॉल भी पता चल गया आपको एज रुपीज 50, तो लिख देते हैं उसको, हेंस या देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज रुपीज 50. ठीक, सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस नाउ मूव ऑन टू फोर्थ सेक्शन ऑफ द सेम क्वेश्चन.